नौ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ का नया अध्यक्ष दीपक गोयल को चुना गया है। नवागत अध्यक्ष दीपक गोयल को अध्यक्ष बनाए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया। दीपक गोयल ने रेल कर्मचारियों के हित में हर संभव संघर्ष करने का ऐलान किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ आगरा मंडल का अध्यक्ष दीपक गोयल को बनाया गया है। पीके सोनी के सेवानिवृत्त होने के बाद दीपक गोयल का चयन किया गया है। दीपक गोयल इंजीनियरिंग विभाग में पीडब्ल्यूआई के पद पर तैनात हैं। दीपक गोयल के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। 1 तारीख को हमारे आगरा मंडल की डिविजनल काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे महामंत्री श्री आरपी सिंह जी पधारे थे और उन्होंने हमारे, क्योंकि उसी दिन हमारे पहले मंडल अध्यक्ष श्री पीके सोनी जी रिटायर हो गए थे, तो उनकी जगह मंडल अध्यक्ष की पोस्ट भरनी थी और साथ ही मंडल में कई पद खाली थे, तो उसको लेकर उन्होंने डीसीएम में निर्णय लिया और सबसे वार्ता कर श्री दीपक गोयल, जो जॉन में कोषाध्यक्ष भी हैं, उनको मंडल अध्यक्ष के, आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। उसके साथ ही एचआर मीणा जी, जो आगरा में पोस्टेड हैं, सीटीआई हैं, इनको संगठन सचिव, जो एक अच्छी पोस्ट होती है, पूरे संगठन देखना पड़ता है, उस पर इनको मनोनीत किया है। दीपक गोयल का कहना है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रेल कर्मचारियों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखेंगे, संघर्ष पूरा करेंगे, कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज NCRES के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं आज चौथा व्यक्ति हूँ जो इस कार्य को ग्रहण कर रहा हूँ। इस मंडल का गठन 2003 में हुआ था, उसके पश्चात हमारे कई सीनियर लीडर्स जिन्होंने इस नेतृत्व इस मंडल का बड़े ही शानदार तरीके से और तरीके से किया। मेरी कोशिश रहेगी कि इस मंडल का मैं NCRES का यूनियन के होने के नाते अपने कर्मचारी साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को वार्ता करके प्रशासन से दूर करा सकूं। दीपक गोयल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद दीपक गोयल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन दीपक गोयल के सामने ECC बैंक के चुनावों की बड़ी चुनौती खड़ी होगी। देखना होगा कि इस चुनौती को किस तरीके से दीपक गोयल निपटाते हैं। साथ ही रेलवे यूनियन चुनावों की भी चुनौती आ सकती है। राकेश खनौजिया, सी न्यूज, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।